दोस्तों, अगर आपका भी जो टीवी है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है नॉर्मल, यानी कि अगर आपके टीवी में भी 3.5 mm का पॉइंट और आपके स्पीकर को आप टीवी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए। इसमें मैं कई ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसमें से आप किसी एक तरीके से अपने टीवी के साथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मेरे पास डिजिटल ऑडियो आउटपुट कन्वर्टर है, ये रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और देखिए दोस्तों, इसमें एक तरफ हमें ये जो टॉस लिंक है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए है, कोएक्सियल केबल और ये पावर देखने को मिलता है। ये डिजिटल एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर है जिसमें इस तरफ इनपुट है और इस तरफ जो है आउटपुट है। तो इस तरफ हमें जो है दो आउटपुट देखने को मिलता है। एक DC 5 वोल्ट का पावर कनेक्टर जो है हमें इसे लगाने के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है अडैप्टर। और दोस्तों, इसे हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके उसको अपने प्लग में लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, जो पहला तरीका है, मैं इसमें एक AV केबल्स मिलते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो जो आउटपुट रहता है वो ये इनपुट है जो कि हमारा जो कन्वर्टर उसमें जाएगा, और ये जो है 3.5 mm का फीमेल है जिसमें 3.5 mm मेल जो है जाएगा। तो इसे कुछ हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें रेड वाले के साथ रेड और वाइट वाले के साथ ब्लैक कनेक्ट करके हमें जो है फीमेल 3.5 mm का जो आउटपुट है इसमें हम ये जो 3.5 mm जैक है कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा एंड है, इसे हम अपने स्पीकर के साथ जो पॉइंट दिया रहता है स्पीकर में 3.5 mm कनेक्ट करने के लिए, उसमें कनेक्ट। और दोस्तों, और एक तरीका जो है वो है कोएक्सियल केबल। तो हमारा जो डिजिटल ऑडियो आउटपुट कन्वर्टर में कोएक्सियल आउटपुट दिया हुआ है, उसमें हम कुछ इस तरीके का जो कोएक्सियल केबल आता है जो कि मैंने अमेजन का मंगाया है, अमेजन बेसिक्स का, जो ये बहुत अच्छा केबल है। तो देखिए वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसे ढूंढते ढूंढते पूरा मार्केट आप परेशान हो जाएगा, पर ये जल्दी मिलता नहीं है। तो ये जो है अमेजन पे अवेलेबल है, और ये सारा जो चीज़ें इनका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट बेस्ट बाय लिंक से परचेस कर सकते हैं। तो ये जो केबल है दोस्तों, ये कोएक्सियल जो पॉइंट है उसमें हम इसमें इनपुट करेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है ये अगर आपके टीवी में डायरेक्ट कोएक्सियल पॉइंट है आउटपुट दिया हुआ है तो आप इसे डायरेक्ट उससे कनेक्ट करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें मैं दिखाता हूं आपको। और अगर नहीं है तो आप इस कोएक्सियल को अपने टीवी से कनेक्ट करके, और इसका जो 3.5 mm जैक जो इसमें कनेक्टेड है, ये 3.5 mm जैक को साउंड सिस्टम है उसके जो 3.5 mm जैक का जो आउटपुट है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दो तरीका हो गया, तीसरा तरीका ऑप्टिकल ऑडियो केबल। जो ऑप्टिकल ऑडियो केबल होता है दोस्तों, ये सबसे रिफाइंड ऑडियो हमें देता है, और उसके लिए ये कन्वर्टर में एक स्पेस दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, हमें इसका जो इनपुट है इसमें डाल देना है। और जो दूसरा है, अगर आपके टीवी में डिजिटल ऑडियो आउटपुट है जो कुछ डिजिटल केबल को सपोर्ट करता है, तो ये जो एंड है उसमें आपको कनेक्ट कर देना है, और आपका टीवी बस काम करना चालू कर देगा साउंड बॉक्स के साथ। अगर दोस्तों आपके टीवी में कोएक्स केबल का पॉइंट दिया हुआ है और आपके स्पीकर में भी कोएक्स केबल पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको इस सारे तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये एक जो कोएक्सियल केबल है ये आपको खरीदना है, इसके अलावा जो भी कन्वर्टर है आपको कुछ भी नहीं खरीदना। तो दोस्तों, ये जो केबल है उसका जो एक एंड है वो आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर लीजिए, और जो दोस्तों दूसरा एंड है वो आप अपने जो स्पीकर है उसमें कनेक्ट कर लीजिए, और ये दोनों जो है एक नंबर एकदम साउंड कनेक्ट कर देगा, और आपको टीवी में जो साउंड है वो बहुत तगड़ा आएगा। देखिए कुछ इस तरीके का जो टीवी आपका स्पीकर, उसमें कोएक्सियल जो है आउटपुट होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। अगर ये आपके स्पीकर में है तो सिर्फ और सिर्फ इसी केबल के थ्रू आपका काम हो जाएगा, लेकिन याद रखिए कि ये कोएक्सियल पॉइंट आपके स्पीकर में भी होना चाहिए और आपके टीवी में भी होना चाहिए। सेम चीज अगर आपको आउटपुट ऑप्टिकल आउटपुट कनेक्ट करना है तो आपके स्पीकर में और आपके टीवी में, दोनों में वो होना चाहिए। और ये चीज HDMI ARC जो बोलते हैं उसके थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को कुछ इसका जो है साउंड सुना के दिखा देता हूँ कि टीवी में दोनों जब मैंने कनेक्ट किया तो किस तरीके से कनेक्ट होके साउंड आया।